क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिंदर पाल है। ये आपके ब्रदर हैं? हाँ जी जी। क्या नाम है इनका? दविंदर पाल। 10 मार्च 2023 को ये अपनी गाड़ी से अपनी जॉब से घर वापस आ रहे थे। क्या हुआ था, क्या हादसा इनके साथ हुआ उस समय? इन्हों का एक्सीडेंट हो गया सीगा, जॉब तो वापस आते सी, अगे इन्हों दो स्कूटरी तो कुड़ियां आके डिग गई। फिर इन्होंने उन्होंने बचाने वास्ते ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगा के दूसरी साइड में चले गए खड़े ट्रक च वजे। फिर इन्हों बेहोश हो गए, उत्थे दे लोगों ने बाहर कढ़िया, इन्हों की राइट साइड सारी डैमेज हो गई सी गड्डी की। जदों बाहर कढ़िया तो इन्हों एम्बूलेंस बुला के उन्होंने होस्पिटल नकोदर पहुँचाया, पर नकोदर वाले ने जवाब देता कहिंदे साडे तो फैसिलिटीज नहीं गियां, तुसीं इहनूं जलंधर लै जाओ। फिर उत्थे जदों असी लगाए तो उन्होंने जदों इन्हों का चैकअप किया तो 11 तरीक नूं उन्होंने इन्हों दे वेंटिलेटर पाउण दी सलाह दित्ती। पर असी बहुत डर चुके सी क्योंकि साडे दो डैथ रिश्तेदारी च पहला वेंटिलेटर नाल ही होईयां सी, ते 4-5 दिन पहला ही साडे वेंटिलेटर नाल एक मौत हो चुकी सी, ते असी बहुत डर चुके सीगे, तो इसलिए असी वेंटीलेटर लवाउण तो मना करते पे सी। पर डॉक्टर ने सानू साफ कह दिता सी कि जे ना वेंटीलेटर लवाया तो इहदी डैथ दे जिम्मेवार तुसी होवोगे, सानू मुड़ के ब्लेम नहीं करना हैगा। असी फिर परमेश्वर दा नाम लै के वेंटीलेटर लवाउण लई साइन कर दिते, पर असी बहुत मायूस सी कि पता नहीं हुण की होना आ। उस समय ये खुद से बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे? नहीं लै सकते सी, खुद नहीं सांस लै सकते सी। इन्हां दी ऑक्सीजन बहुत घट सी, फेफड़े डैमेज हो चुके सी दोने, इन्हां दे शोल्डर दी हड्डी टुट के एक फेफड़े च वज गई, वह लीक हो गया, तो एक फेफड़ा बिल्कुल हवा ओदी खत्म हो गई, वह सुंगड़ चुका सीगा। और इनके गला गले को फ्रंट से आगे काट कर ट्रैकोस्टोमी ट्यूब अंदर डाली गई। पहला इन्हां दे मुँह विच दी पाई तो वह थोड़े दिन रखी, उन्होंने कहिंदे भी ये इनफेक्शन वध जाणी आ, असीं ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। फिर उन्होंने इन्हां नूं गले का ऑपरेशन करके तो फिर इन्हां दे गले विच दी ट्रैकोस्टोमी पाई, तो मतलब असी बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ये 6 महीने सार बोल नहीं सकते हैगे, तो असी कहिंदे डॉक्टर कहिंदे कि जंग गया इहो, असी ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैगे, पर सानू करना पैना आ। तो फिर असी वेंटीलेटर तो पहला ही लग चुका सी, असी इस गल दे भी साइन कर दिते परमेश्वर दा नाम लैके, असी ले हैंड करवाया इत्थों सानू, क्योंकि जब इनको जब हॉस्पिटल में वेंटीलेटर पे रखा गया, फूड पाइप लग गई, यूरिन पाइप लग गई थी, और इनको डायपर लगाते थे। हाँ जी, क्योंकि ये पूरी तरह से बेसुध थे, इनके गर्दन की हड्डी टूट के वो छाती में धस चुकी थी। हाँ जी, और दोनों साइड की पसलियां टूट चुकी थी। हाँ जी, ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुकी थी। हाँ जी, फेफड़े सुकड़ चुके थे। हाँ जी, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इनकी बॉडी में बढ़ चुकी थी, बिल्कुल कोई होश ही नहीं था, बिल्कुल नहीं सी, जैसे एक डेड बॉडी पड़ी होती वैसे हॉस्पिटल में पड़े थे। हाँ जी, और डॉक्टर कितने अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? एक हॉस्पिटल नकोदर चो उन्होंने सानू रैफर किया, तो जलंधर उन्होंने लै गए। उन्होंने भी सानू कहा कि असी ये कोई जेल नहीं गई, जे तुहानू कोई साडे नालों बैटर इलाज दिंदा तो तुसीं उत्थे ले जा सकदे आ। और इन्हें स्पेशल 4 डॉक्टर थे जो स्पेशल इन्हीं को देखते थे भाई। हाँ जी हाँ जी। आप बताएं ब्रदर, आपको जब आपको उस समय जब आपका एक्सीडेंट हुआ था आपकी कंडीशन कैसी थी, आप बताइए यार अपने बारे में। मैनू कुछ याद नहीं। आपको कुछ याद नहीं है? 15 दिन बाद होश आई। और जब होश आया उस समय क्या हालत थी? उत्तो बाद मैं इन्हां नूं पुछदा सी मिन्ना होया की आ, मतलब आपको आप जब आपका एक्सीडेंट हुआ था आपको कोई होश नहीं थी? नहीं बिल्कुल नहीं। जब जैसे गाड़ी में थे गाड़ी में भी होश हो गया जब ट्रक के साथ वो टकराई थी? हाँ जी। और जब इनको उसके बाद इनकी फैमिली के 2 मेंबर्स, वो हमेशा इनके साथ ही रहते थे, फैमिली के 2 मेंबर्स की वेंटिलेटर पर ही आपके परिवार में डेथ हो चुकी थी, आपको इसी बात का डर रहता था? हाँ जी, कि कहीं मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसा ना हो जाए। हाँ जी, डॉक्टर साफ जवाब देंदे सी कहंदे कि मुश्किल आ, इहदा बचना बहुत मुश्किल आ, असी इह ना कहो कि हुण दी घड़ी इह ठीक आ, ते थोड़ी देर बाद तुसीं कहो भी इहदी डैथ हो गई आ, अपने माइंड नूं प्रिपेयर रखो इस गल वास्ते। और जब डॉक्टर ऐसी बातें बोलते थे कि इनकी कभी भी डैथ हो सकती है, आपके मन में क्या बीतती थी, क्या आपका उस समय एक्सप्रेशन रहता था? कुछ नहीं, सच तो परमेश्वर का नाम ही लेंदे से कि तुसी साह देण वाले आ, इन्ने सालों के साथ तुसी फ्री दिते आ इनू वेंटीलेटर ते, असी साडी कोई औकात नहीं कि असी इनू वेंटीलेटर ते साह दवा सकीए। तो उसके बाद फिर आपको आपकी फैमिली को किसी ने चर्च के बारे में, जो ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में बताया?
और जब इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा गया तो 19 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। हाँ जी, उस प्रेयर को देखते हैं हम। जो ऑनलाइन है हॉस्पिटल से, राइट नाउ खुदावंद का रूह आपको टच करे, हील करे, डिलीवर करे इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, बी हील्ड, बी हील्ड। खुदावंद की हीलिंग पावर को टच करते हुए हील हो, टेस्टिमनीज के साथ वापस आए। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रेयर की, सिस्टर आप बताएं कि इनके साथ क्या हुआ प्रेयर को रिसीव करने के बाद? प्रेयर ले हैंड होने तो बाद डॉक्टर ने सानू काफी दिनों बाद दसिया कि 40% मूवमेंट हो रही है, और ये जो क्रिटिकल कंडीशन है उसमें से बाहर आ चुके हैं डॉक्टर ने बोला। हाँ जी। और इनकी बॉडी में मूवमेंट होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। और डॉक्टर कह रहे थे अब इसकी डेथ नहीं हो सकती है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी थी। हाँ जी, उन्होंने स्टेटमेंट अपनी चेंज करनी शुरू कर दी थी। और डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर बोलते थे जब ये नहीं रिकवर हो रहा था हम तुम्हें तब भी बता रहे थे, हम आप भी बता रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है। और अभी जैसे ही उस प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद ही इनकी बॉडी में मूवमेंट होनी शुरू हुई। हाँ जी, हाँ जी। और हॉस्पिटल से थोड़े दिनों के बाद डिस्चार्ज मिल गया। हाँ जी। और उसके बाद ये आपके ब्रदर पूरी तरह से ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और कोई मेडिसिन नहीं चलती पई, जो गले दे जख्म सी वो भी बंद हो गए, सारा कुछ परमेश्वर दी दया ना ठीक है। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस, बोलकर तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी कितने कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 6 अप्रैल नो इन्हें डिस्चार्ज मिलिया सी। सब तो पहला सी इन्हों हॉस्पिटल तो ले अंदर के खामरे ही लेके आए सी, और उस दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें सब जन जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथ को उठा के थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ सब 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 परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।